होटल का विरोध करना, मैं मानता हूं कि विकास का विरोध करना होगा। आज के दिन जो लोग पोर्टल का विरोध कर रहे हैं, उनसे एक बात तो पूछ के देखिए कि आज घर बैठ के डिबेट क्यों कर रहे हैं। ये भी टेक्नोलॉजी है कि घर बैठ के डिबेट कर रहे हैं। अब स्टूडियो में पहले आना पड़ता था। आज पासपोर्ट क्यों नहीं लाइन में लग के बनवाते, क्यों ऑनलाइन पासपोर्ट बनवाया जाता है? आज वीजा के लिए अप्लाई करना है, वो क्यों ऑनलाइन अप्लाई किया जाता है? आज के दिन अगर ऑनलाइन की तरफ देश और प्रदेश जा रहा है तो उसमें तकलीफ क्या है? अभी पेंशन के बारे कोई दिक्कत क्या है? विरोध के लिए विरोध करना। आपने शुरुआत में सवाल किया कि किसका फायदा किसका नुकसान। जनता का फायदा, विपक्ष का नुकसान। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इनको सिर्फ विरोध करना है। मैं जरूर मानता हूं कहीं कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, कोई नया सिस्टम आता है, उसमें थोड़ी कमी पेशी होती है और उसको समय रहते दुरुस्त भी कर लिया जाता है। पर आज आप कहना कि हम बंद कर देंगे, हम ऐसे कर देंगे, और अभी मेरे साथी कह रहे थे ऑनलाइन पेंशन बुजुर्ग कैसे होगा। जनाब थोड़ा अपडेट रहिए, सरकार ने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा कि जिसकी उम्र 60 साल होगी उसको कहीं अप्लाई करने की जरूरत नहीं, अपने आप उसकी पेंशन लगाने का काम सरकार करेगी। आप विरोध करिए किसी चीज का, अगर उस सिस्टम के अंदर आपको कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, आप उसका विरोध कीजिए कि हाँ इसको टेक्निकली सही किया जाए, ये इसमें नहीं होना चाहिए और ये गलत है, वो बनता है। आज आप कह रहे हैं कि पोर्टल को ही बंद कर देंगे, कल को आप कहेंगे स्कूल को बंद कर देंगे, परसों को आप कहेंगे कॉलेज को बंद कर देंगे, और उससे अगले दिन आप कहेंगे कि हम तो इंटरनेट को ही बंद कर देंगे। आज के दिन सभी चीजें जब ऑनलाइन हो रही हैं, एक बैंक का नाम बता दीजिए जिसका पोर्टल के बिना काम चलता हो, कोई बैंक बताइए। आज सभी चीजें ऑनलाइन की तरफ जा रही हैं और ऑनलाइन के कारण ही पारदर्शिता आ रही है। आज आपको पता लग सकता है कि आपकी फाइल किस लेवल पे पेंडिंग है और कहां आपकी फाइल पेंडिंग का ठीक क्या है, कारण है। अगर उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन लगता है, वो ऑब्जेक्शन साथ की साथ देख सकते हैं। आज उसके ऊपर पूरी निगरानी है, पर ठीक है, इनको तकलीफ है। हाँ जो टेक्नोलॉजी से बाहर रहे वो तो बोलेंगे, जो 19 से 1 पे आए और 1 से आने वाले समय में 0 पे हो जाएंगे, उनका कारण यही है। वो पुरानी बातें करते हैं कि उसी तरह होगा, लटमार तरीका, ये नहीं चलेगा। तरीका तो ठीक है, टाइम के साथ आपको अपडेट होना पड़ेगा, और जो अपडेट नहीं हुआ उसका तो आपको बिल्कुल रिजल्ट सामने ही ये है। अच्छी बात कही आपने कि टाइम के साथ अपडेट होना पड़ेगा, वरना आप पीछे रह जाएंगे, हरियाणा पीछे रह जाएगा फिर तो।